नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशियोज। मेरे पास में दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो गिवन है, दैट इज ए रेशियो बी इज गिवन एज 2:3 और बी रेशियो सी इज गिवन टू मी एज 3:4 और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज ए रेशियो बी रेशियो सी। मींस मैंने कंबाइन किया है, दैट इज द रीजन दिस टॉपिक हैज बीन गिवन द नेम दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशियोज। तो ए रेशियो बी इज 2:3 एंड बी रेशियो सी इज 3:4। मैं देख रहा हूं कि बी की वैल्यू पहले वाले रेशियो में 3 है और दूसरे वाले रेशियो में भी बी की वैल्यू 3 है, तो आई कैन इजिली इक्वेट द टू इक्वेशंस सो दैट माई ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी 2:3:4। बी की वैल्यू दोनों में सेम थी ना, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया दोनों वैल्यूज को इक्वेशंस को इक्वेट करके आई कैन इजिली से दैट ए रेशियो बी रेशियो सी इज 2:3:4। बट वॉट इन केस आई एम गिवन दैट ए रेशियो बी इज 2:3 एंड बी रेशियो सी इज 4:3, मीन्स बी की वैल्यू अब दोनों में सेम नहीं है तो मैं दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता। वॉट इन दिस केस तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बी की वैल्यू को इक्वल करूंगा। पहले तो मेरे पास में गिवन थी ऑलरेडी, बी की वैल्यू दोनों मेरे पास में रेशियोज में सेम थी, अब मैं बी की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में सेम बनाऊंगा। और वो सेम कैसे बनाऊंगा, आई कंसिडर द एलसीएम ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ द बी इन द टू गिवन इक्वेशन। पहली मैं देख रहा हूं ए रेशियो बी, उसमें बी की वैल्यू कितनी है, अगर मैं उसे बी वन से डिनोट करता हूं आई से डैट इज इक्वल टू 3। दूसरी मेरे पास में जो रेशियो है उसमें बी की वैल्यू कितनी है, डैट इज 4, मैं उसे डिनोट करता हूं 4 से, बी टू से। अब मुझे बी वन और बी टू को इक्वेट करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, सो दैट द टू वैल्यूज बिकम इक्वल टू 12 विच नाउ विल बी इक्विवेलेंट। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग नथिंग बट आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ द बी इन द टू गिवन रेशियोज। मैंने 3 और 4 का एलसीएम देखा, डैट इज इक्वल टू 12, मतलब मुझे बी की वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में 12 बनाना है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 4 3 12 बन जाए, और इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से। सो माई न्यू रेशियो विल बी ए रेशियो बी बी विल बी 4 2 8:12 एंड बी रेशियो सी विल बी 4 3 12:9। नाउ ऑल्सो इफ यू कंसिडर ए रेशियो बी, दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है, डैट इज 4, वो कट होगा तो रेशियो क्या रह जाएगा, 2:3, डैट वॉज माई ओरिजिनल रेशियो। और यहाँ पे भी देखेंगे 12:9, इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या है 3, उसको आप कट करेंगे तो रेशियो लेफ्ट आउट विल बी अगेन 4:3। तो आई हैव नॉट डन एनीथिंग स्पेशल, मैंने इसे सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है सो दैट माई वैल्यू ऑफ द बी इन बोथ द इक्वेशन इज सेम। अब मैं देख रहा हूँ कि बी की वैल्यू सेम है, अब मैं सेम जैसे पहले प्रोसेस मैंने किया था, पहले स्टेप में पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे किया था, सिमिलरली मैं यहाँ कह सकता हूँ इजिली डैट वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी 8:12:9। ये तो मैंने देखा जब मेरे पास में 3 नंबर्स की मुझे रेशियो कंसिडर करना है, इसमें वो 4 नंबर्स भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है एंड सो ऑन। हम देखते हैं उनके ट्रिक्स भी समझते हैं और सिमिलर हम कन्वेंशनल मेथड भी देखते हैं जो हमने देखा, दैट इज इक्वेटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू जो कॉमन होगा मेरे पास में इक्वेशन में बाय कंसिडरिंग देयर एलसीएम। अगर इसमें मैं एक ट्रिक की बात करता हूँ तो दो नंबर्स क्या गिवन थे, दैट इज 2:3 एंड सेकेंड नंबर वॉज 4:3। ट्रिक क्या इन्वॉल्व है, मुझे मल्टीप्लीकेशन ऐसे करनी है, दैट इज पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नेक्स्ट ये दोनों एंड नेक्स्ट फाइनली ये दोनों। मींस पहले ये दोनों मल्टीप्लाई 4 2 8, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई 4 3 12, नेक्स्ट मल्टीप्लाई ये हुए 3 3 9। सो माई फाइनल रेशियो विल बी 8:12:9 विच वॉज द सेम विच आई हैव डन कंसिडरिंग देयर एलसीएम। कुछ और भी दे सकता है वो 1:2 एंड 5:4। क्या करना है, सेम ये मल्टीप्लाई पहले देन ये एंड देन ये, दिस विल बी 5:10:8। सो यू कैन इजली सी दैट व्हेन यू डू दिस क्वेश्चंस बाय द ट्रिक वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, दैट विल बी क्वाइट टाइम सेविंग। ये तो थी 3 की बात, अगर मुझे अगर 4 नंबर्स दे रखे हैं, ए रेशियो बी इज गिवन टू मी एज 2:3, बी रेशियो सी इज 4:5 एंड सी रेशियो डी इज 3:7 और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, पहले अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से डाटाज बाय इक्वेटिंग, मैं पहले ए और बी में बी की वैल्यू को इक्वेट करूंगा एलसीएम कंसिडर करके, डाट इज 12। नेक्स्ट तो मेरे को क्या मिल जाएगा इन दोनों से, ए रेशियो बी रेशियो सी मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा,
दोनों में मैं देख रहा हूँ सी कॉमन है, वंस आई गेट दिस देन आई कंसिडर दिस वन एंड दिस वन, और उन दोनों में मैं सी की वैल्यू को इक्वेट करूंगा, उनके एलसीएम्स को इक्वेट करूंगा, सो दैट आई कैन फाइनली गेट माय रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, विच विल अगेन बी अ लिनियर मेथड। देखते हैं इसके पीछे जो ट्रिक इन्वॉल्व्ड है। नंबर्स गिवन है 2:3, आई विल ऑलवेज राइट माई नंबर्स इन अ स्लांट वे, मतलब थोड़ा सा गैप के साथ में लिखूंगा। नेक्स्ट इज 4:5, आई लीव सम गैप और मैंने फिर थोड़ा स्लांट वे में लिखा। नेक्स्ट इज 3:7, अब मुझे देखना है कि इसका रेशियो क्या होगा, कंबाइंड रेशियो, तो 1, 2, 3, 4 दैट विल बी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मुझे ये फाइंड आउट करने हैं। तो ए की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, जो पहली मेरे पास में लाइन है उसको मल्टीप्लाई करना है, सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, सबके एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो इससे ए की वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी 4, 3, 12, 12, 2, 24। और डी की वैल्यू जो आउटर वैल्यू है वो इन सबको वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सभी डिनोमिनेटर्स को या सभी कॉन्सिक्वेंस को मल्टीप्लाई करके आएगी, दैट विल बी 10 by 35, 35 3 is 105। अब रह गई बी और सी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू आएगी, इसका डिनोमिनेटर कंसिडर करेंगे, पहले का डिनोमिनेटर और बाकी सबके न्यूमरेटर्स लेफ्ट आउट, ये लिया मैंने डिनोमिनेटर्स और बाकी दो न्यूमरेटर्स, मीन्स 4 3 is 12, 12 3 is 36, दिस विल बी 36। सी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, दो के डिनोमिनेटर्स 3 और 5 डिनोमिनेटर्स और एक जो लेफ्ट आउट है उसका न्यूमरेटर, मीन्स 5 3 15, 15 3 45। सो यू हैव अगेन फाउंड की अगर मैं ट्रिक से कैलकुलेट करूंगा इट विल बी रियली टाइम सेविंग मेथड। अगर वो आपको 5 दे देता है, 5 क्वांटिटीज वो दे रहा है आपको, दैट इज 2:3, नेक्स्ट इज गिविंग यू 4:5, 3:7, ये तो मेरे पास में ओरिजिनल जो थी, वो आपको एक और रेशियो दे रहा है, दैट इज 1:2, और आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 5 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, देखते हैं इनका रेशियो, दैट इज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, 5 नंबर्स का रेशियो। तो जो मेरे पास में ए आएगा वो सिमिलर जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम देखी थी, दैट विल बी द मल्टीप्लाइंग ऑल द न्यूमरेटर्स और ऑल द एंटीसीडेंट्स, पहली रो को मैं इंटायरली मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी 4 3 is 12, 12 2 is 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी अगेन 24। ई निकालना है जो मेरे पास में एक्सट्रीम है उस साइड में, तो वो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, 5 3 is 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 15 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये तो लास्ट वाला है मेरे पास में। मुझे निकालना है बी सी एंड डी, बी को मल्टीप्लाई जब मैं निकालूंगा तो मैं सबसे पहले वाले का डिनोमिनेटर कंसिडर करूंगा और बाकी सबके न्यूमरेटर्स, ये डिनोमिनेटर कंसिडर करूंगा और बाकी सारे को मल्टीप्लाई करूंगा इसके न्यूमरेटर्स, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाकी सबके न्यूमरेटर्स से, दैट विल बी 3, दैट इज द डिनोमिनेटर, पहले वाले का डिनोमिनेटर कंसिडर किया, बाकी सबके न्यूमरेटर्स 4 × 3 × 1 4 × 3 × 1। नेक्स्ट मुझे निकालना है सी, सी में क्या करूंगा, पहले दोनों के तो डिनोमिनेटर्स और बाद के दोनों के न्यूमरेटर्स, मीन्स 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट विल बी 5 3 is 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 45। डी कैसे निकालूंगा, डी में अब मैं पहले तीन के डिनोमिनेटर्स और आखिरी वाले का न्यूमरेटर, पहले तीन के डिनोमिनेटर्स और आखिरी का न्यूमरेटर, दैट इज 105। तो आपने देखा कि जब भी आई एम यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक तो इट इज क्वाइट इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट रादर देन द लॉन्ग मेथड इन विच आई इक्वेट the particular value which is common in both the equations using the LCM method. Combination of ratios पे based कुछ problems देखते हैं। First problem में बोल रहा है the sum of three numbers is 639. If A ratio B is 3:4, B ratio C is 5:9, find the values of A, B, C. तीन numbers हैं मेरे पास में A, B, C, such that the ratio of the first two numbers A and B is 3:4. Next two numbers, that is B and C, is given to me 5:9. Their sum is 639 and he has asked me what is the absolute values of the numbers, that is what is the values of the A, B and the C. Means the question of the combination of the ratios.
मुझे ए रेशियो बी जो गिवन है डाट इज इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इज गिवन टू मी एज 5:9. सो आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए रेशियो बी रेशियो सी डाट इज, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट दिस एंड नेक्स्ट दिस. सो माई ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी नथिंग बट इक्वल टू 5 3 15 रेशियो, 5 4 20 रेशियो, 9 4 36. मीन्स ए बी सी का कंबाइंड रेशियो कितना डाट इज 15:20:36. अब मैं कह सकता हूं कि माई नंबर्स विल बी ए विल बी इक्वल टू 15x, बी विल बी इक्वल टू 20x एंड सी विल बी इक्वल टू 36x. दीज विल बी द ऑरिजिनल फॉर्म ऑफ द नंबर्स और द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स बिफोर देयर रेशियो वॉज कंसिडर्ड. जब मैं रेशियो कंसिडर करूंगा मैं इसमें से एक्स जो कॉमन वैल्यू है वो कैंसिल आउट करूंगा, सो डैट नंबर्स विल बी अगेन ऑफ द रेशियो ऑफ 15:20:36. ओरिजिनल जो उनका रेशियोज मैंने कंसिडर किया था, मीन्स मैंने कॉमन फैक्टर एक्स कंसिडर किया है. नेक्स्ट मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है डाट इज द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 639. डैट इज ए प्लस बी प्लस सी 639. आई पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज विल गिव मी 15x प्लस 20x प्लस 36x इज इक्वल टू 639. इनको अगर हम एड अप करते हैं तो ये आएगा 71x इज इक्वल टू 639. सो द वैल्यू ऑफ द एक्स विल बी इक्वल टू 9. मतलब जो कॉमन फैक्टर था वो तीनों नंबर्स में वो क्या था, 9 था. अब मुझे एक बार x पता लग गया है तो आई कैन इजिली कैलकुलेट माई नंबर्स. a इज इक्वल टू 15x, दैट इज इक्वल टू 15 × 9 इज इक्वल टू 135. नेक्स्ट इज b इज इक्वल टू 20x, 20 × 9 इज इक्वल टू 180 एंड c इज इक्वल टू 36x, 36 × 9 विल बी 9 6 54, 9 3 27 32, 324. सो माई ओरिजिनल नंबर्स ए बी सी विल बी 135, 180 एंड 324. फॉर योर क्रॉस वेरिफिकेशन यू कैन एड दीज नंबर्स, देयर सम विल बी इक्वल टू 639. अगर आपके पास में ऑप्शंस गिवन है तो आप इजिली ऑप्शन से भी कर सकते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड. आप तीन देखेंगे, जो भी आपके पास में ऑप्शंस होंगे उन तीन नंबर्स में आप देखेंगे वेदर दे आर सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस such that a ratio b ratio c must be 15:20:36 and at the same time this sum should be equal to 639. Next question consider karte hain. The ratio of money with Ram and Shyam is 7:15 and that with Shyam and Ghanshyam is 7:16. If Ram has 490 money, means Ram ke paas mein jo money hai that is 490, that can be rupees or paisa as so on. I'm not focusing on the units, but mainly, जो उसके पास में money है, that is 490. That is what is given. How much money is there with Ghanshyam? पहले question समझते हैं. Basically, तीन persons involved है, Ram, Shyam and Ghanshyam. उसमें मेरे पास में क्या है? Ram और Shyam के पास में जो money है, उनका ratio given है, that is 7:15. Shyam और Ghanshyam के पास में जो money है, उसका ratio given है, that is 7:16. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है डैट इज जो राम के पास है मनी डैट इज 490 एंड आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द मनी विद घनश्याम. तीन पर्सन इन्वॉल्व हैं, दो दो के पेयर में रेशियो गिवन है तो आई कैन इजिली से डैट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज. राम आर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, श्याम इज एस, रेशियो इज 7:15, डैट इज द रेशियो ऑफ देयर मनी डैट दे आर हैविंग. नेक्स्ट इज श्याम एंड घनश्याम, मनी दे आर हैविंग इज इन द रेशियो ऑफ 7:16. If I combine these ratios, so I can easily find the value of ratio of the money with Ram, Shyam and Ghanshyam. पहले इन दोनों को multiply करूंगा, that will be 49. Next, इन दोनों को multiply करूंगा, that will be 105. और finally, इन दोनों को multiply करूंगा, that will be 240. So, the ratio of the money with Ram, Shyam and Ghanshyam is in the ratio of 49:105:240. नेक्स्ट वो कह रहा है इफ राम हैज 490 मनी, राम के पास कितनी मनी है 490, तो आई कैन इजिली से डैट जब मुझे रेशियो पता है तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होगी. राम की हो गई 49x, श्याम 105x एंड घनश्याम इज इक्वल टू 240x. एक्स वो कॉमन फैक्टर लिया है मैंने दोनों के तीनों के बीच में जो मैंने कट डाउन किया होगा जब मैंने उनकी रेशियोज कंसिडर किए होंगे, डैट इज द कॉमन फैक्टर. 49x की वैल्यू उसने गिवन है दैट इज इक्वल टू 490. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग दैट इफ राम हैज 490 मनी और राम की मनी कितनी है दैट इज 49x, तो आई कैन इजीली से दैट 49x इज इक्वल टू 490, सो दैट x इज इक्वल टू 10. x की वैल्यू कितनी हो गई
एन हो गई, दैट इज द कॉमन फैक्टर. ही इज आस्किंग हाउ मच मनी इज देयर विद घनश्याम, घनश्याम के पास कितनी मनी, दैट इज 240x. व्हाट आई विल डू इज मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो दैट विल कम आउट टू बी 2400. मीन्स मैंने क्या किया, मैंने पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से तीनों के बीच में जो मनी का रेशियो वो कैलकुलेट किया, नेक्स्ट जो मेरे पास में एक गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की, एंड फाइनली उस x की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया उसके अंदर जो मेरे से आज था, दैट इज द मनी विच घनश्याम हैज. तो सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड जिसके अंदर आपके पास में तीन का रेशियो, चार का रेशियो या पांच का रेशियो गिवन होगा, आपको कंबाइन करना होगा उन्हें, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कॉमन फैक्टर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी एंड अकॉर्डिंगली अपना आंसर आपको कैलकुलेट करना होगा.